अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियां दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटरों की चटनी, बहुत मजे की बनती है। रोजों में बनाए, रोजों के अलावा घर में भी बनाकर रखे। ये चटनी आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, समोसे, पकौड़े, चिप्स, जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं कर सकती हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी है। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, टमाटरों की चटनी बनानी शुरू करती है। मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटरों को मैंने काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। और ये इमली का पल्प है मेरे पास, 1 कप इमली का पल्प लिया है, ये इसके अंदर सारा डाल देंगे। 1/2 कप सिरके का इसके अंदर डाल दूंगी। गोल लाल मिर्चें, 1/2 कप गोल लाल मिर्चें साफ कर लिया मैंने अच्छी तरह से, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हरी मिर्चें 15-16 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दें। ये ज़रा तेज स्पाइसी बनती है चटनी, बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप 18-20 मिर्चें भी इसके अंदर डाल सकती है, क्योंकि ये मिर्चों की ही बनती है ये चटनी, तो आप जितनी मिर्चें डालना चाहती हैं आसानी से डाल सकती हैं। इसके बाद मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और एक मैंने लिया है लहसुन की गठी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर डाल दूंगी और 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी, 3 डाल लें 4 डाल लें चीनी के चम्मच। 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चीनी के चम्मच डालने लगी हूँ। अगर आप चाहती हैं कम ये हो मीठा, तो आप 4 छोड़ के 3 भी डाल सकती हैं, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं आमचूर पाउडर का डाल दूंगी। आमचूर पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है और ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर ज़्यादा टमाटरों का इस्तेमाल होता है, लहसुन वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर जो डालें, हर चीज़ इसके अंदर बहुत टेस्ट देगी आपको। इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला, सिर्फ 1/2 कप मैंने इसके अंदर सिरके का डाला है। इसको मैं कवर करूंगी और इसको ग्राइंड करना शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, चटनी तैयार हो चुकी है टमाटरों की। इसको बनाएं घर में, ये देखें, इसको आराम से बनाकर स्टॉक कर लें, ये ख़राब नहीं होती। आराम से 2-3 महीने आप इसको बनाकर रख लें, इसको रोटी के साथ खाएं, इसको आप समोसों और पकौड़ों के साथ खाएं, रोल लें, चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, इसको जब आप बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट कितना मज़े का है चटनी का। खाने में ये इतनी लजीज है, इतने मज़े की, कि इसको आप खाली रोटी के साथ भी खा सकती हैं, शवरमा पिज़्ज़ा बनाएं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये चटनी हर किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इसको आप बनाएं घर में, रखें, स्टॉक करें घर में, खाएं, घर वालों को बना कर दे, बहुत मज़े की चटनी। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि टमाटरों की चटनी कितने मज़े की लग रही है खाने में, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर आपने बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी। मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रमज़ान में इस चटनी को ज़रूर घर में बनाएं और मेरी वीडियो को देखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।